वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडर मैनेजमेंट। तो आज मैं जिस चीज़ की वीडियो बना रहा हूँ वो है कि आपने अपना PTCL स्मार्ट टीवी वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है वाईफाई। सबसे पहले ये PTCL मॉडेम है, ये मेन PTCL मॉडेम है जहाँ पे मेन PTCL तार आ रही है, ये पीछे मेन PTCL तार आ रही है, यहाँ पर कनेक्ट है। जो इसका पासवर्ड वाईफाई पासवर्ड होगा वो आपने PTCL स्मार्ट टीवी से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब ये मेरा जो है स्मार्ट टीवी अंदर पड़ा है काफ़ी, अब तार इतनी लंबी नहीं है इसलिए मैं आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता। तो सबसे पहले ये PTCL स्मार्ट टीवी का मॉडेम है, ये HDMI लगी हुई है, ये HDMI टीवी के साथ लगानी है इसको। यहाँ पे पीछे HDMI से लगाते हैं कि यहाँ से टीवी को करंट पहुँच सके। इसके बाद ये USB मैंने लगाई हुई है, मतलब USB माउस लगाया हुआ है। अगर ना भी लगाएं तो रिमोट से भी चल पड़ता है, लेकिन माउस लगा के आप इजी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये पावर है, ये पावर है, यहाँ पे पावर केबल लग गया। अगर आप मॉडम से वायर लैन लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगेगी, लेकिन मेरी तार दूर है कि मेरी तार लैन की दूर है इसलिए मैं वाईफाई से कनेक्ट करूँगा ताकि इजीली चल पड़े। तो मैं आपको वाईफाई की सेटिंग करता हूँ। पहले सबसे पहले आपने ये देखना है ग्रीन है, या हमने फिर अपने स्मार्ट टीवी से रिमोट से ऑन करना है पावर बटन दबा के। अब ये ऑन हो रहा है, अब इस सर्च कर रहा है कि वाईफाई या लैन कनेक्ट है या नहीं। अब लैन और वाईफाई कनेक्ट नहीं है, जिनका कनेक्ट होगा उनको ऑटोमेटिकली टीवी ऑन हो जाएगा। जिसने कोड एरर दे दिया कि कनेक्ट नहीं है आप, तो ये देखें ये ब्लू आप लेके आए बटन रीट्राई पे है। अभी मैं कन्फर्म पर लेकर हूँ, कन्फर्म पर क्लिक करना है। ये मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया, अब ये पासवर्ड मांग रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सबका सेम होता है, 8288 पासवर्ड है, 8288 पासवर्ड है, एंटर कर। अब ये जिन्होंने वायर्ड से करना होता है, तार से करना होता है, वो ये जब कनेक्ट करेंगे डी तो ऑटोमेटिकली वाईफाई एड्रेस फाइंड कर लेगा। मैंने वाईफाई से करना है, वाईफाई पे क्लिक किया। अब जो इधर मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है समर सीज़न, ये समर सीज़न आ रहा है ये। अब ये मैं जो मॉडम का पासवर्ड है लाहौर 12, मैंने वाईफाई पासवर्ड रखा है वो आपने एंटर करना है लाहौर। वन टू थ्री शो पासवर्ड लाहौर 123 पासवर्ड रखा हुआ है, मैं ये कनेक्ट करता हूँ। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है, आईपी एड्रेस फाइंड कर रहा है। तो अब ये कनेक्टेड आ गया, ये आप देख सकते हैं वाईफाई का सिग्नल आ गया और ये कनेक्टेड लिखा आ गया। मैं अभी मॉडम से ऑन करूँगा, ये दबा कर मॉडम के ऊपर पावर बटन से ऑन करूँगा मैं। ये मॉडम का पावर बटन मैंने ऑन किया, ये स्टार्टअप हो रहा है। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, उनकी इनिशियलाइजेशन होती है इसकी। ये बैंटरिंग ना हो रहा है, बैंटरिंग ना हो गया है। अभी ये कनेक्टेड हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी ये आपने यहाँ पे जाना है, ये कनेक्ट हो गया। जो यहाँ पर ग्राउंड में ठीक है, ऐसे ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, HD सिग्नल आ रहे हैं। वीडियो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट टीवी पे आपने YouTube और ब्राउजिंग कैसे करनी है। उस पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अंदर ब्राउजिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है जिससे आप YouTube खोल सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह ये मैं अपने इससे यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पे मैं गया यहाँ पे। अभी मैंने जो है अपना कर्सर ये देखिए ब्राउज़र पे ले गया ना, अब ब्राउज़र पे मैं क्लिक करूँगा। ब्राउज़र पे आपके लिए अगर माउस हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसे आप इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। मैंने साथ माउस अटैच किया हुआ USB माउस, अब ये ब्राउजिंग खुल गया। अब ये आप देख सकते हैं ये नामा खुला हुआ है, यहाँ पर कोई भी सर्च करें, गूगल सर्च करेंगे कुछ भी आ जाएगा। ये आप जितने मल्टीपल ब्राउज़र खोल सकते हैं, ये ब्राउज़र खोला, फिर मैंने यहाँ पे YouTube, अगर हमें सर्चिंग करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
यूट्यूब सर्च करना है, ये यहाँ पे खुल जाएगा। इसके अंदर नेटफ्लिक्स भी आप एक अलग टाइम में खोल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे अपना चैनल लिखता हूँ, मैंने अपनी वीडियोस देख ली है रैंडमली मैनर। ये रैंडमली मैनर मेरा चैनल है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, आ गया। अब ये मेरी वीडियोस आ जाएंगी, ये देखिए, इस तरह आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको मसला हो स्मार्ट टीवी के लिहाज से, आप मुझे ज़रूर मैसेज करें या ईमेल मैसेज करें, कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। थैंक यू।